दोस्तों, आप सबने तो एंड्रॉयड रूट के बारे में सुना ही होगा। दोस्तों, रूट होता क्या है और रूट करने के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। तो उसको वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, रूट का मतलब होता है, सबसे हम बात करते हैं रूट होता क्या है। दोस्तों, रूट का मतलब होता है कि मान लीजिए आपने एक नया फोन खरीदा है और उसमें जो ऐप्स पहले से इंस्टॉल होती हैं, तो आप अगर आप उसको अनइंस्टॉल मानना चाहते हैं तो वो अनइंस्टॉल होती नहीं है, क्योंकि जो कंपनी फ़ोन बनाती है तो वो आपके पास एक्सेस नहीं होता है कि आप उनकी जो ऐप्स है वो अनइंस्टॉल मार पाए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि रूट करने के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। दोस्तों, रूट करने का जो पहला एडवांटेज ये है कि आप अपने फ़ोन के एंड्रॉयड वर्जन को अपग्रेड कर सकते हैं या फिर डाउन अपग्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आपके फ़ोन में मार्स वाला इंस्टॉल है और अगर आप उसे नोगट में अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप वो भी आप आसानी से ही उसको अपग्रेड कर सकते हैं, वो भी कस्टम रोम में जाने के बाद। दोस्तों, जो दूसरा एडवांटेज ये है रूट करने का, वो ये है कि आप प्री इंस्टॉल ऐप्स को अनइंस्टॉल मार सकते हैं, यानी कि आप अनइंस्टॉल ऐप्स कर सकते हैं जो कि आप पहले आप उसको अनइंस्टॉल करना चाहते थे वो आपसे नहीं होता था, लेकिन रूट करने के बाद आप वो सारी ऐप्स आप डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों, रूट करने का तीसरा एडवांटेज ये है कि आप अपने फ़ोन में फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं या नया फॉन्ट डाल सकते हैं जो कि रूट करने के पहले आपके पास नहीं थे। तो आप रूट करने के बाद आप फॉन्ट स्टाइल डाल सकते हैं या फिर फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, रूट करने का चौथा एडवांटेज ये है कि आप अपने फ़ोन की इंटरनल स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं या फिर रैम को भी इंक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों, ये थे रूट करने के एडवांटेजेस। अब हम बात करते हैं रूट करने के डिसएडवांटेजेस। दोस्तों, रूट करने का जो ये फायदे भी हैं लेकिन साथ ही साथ उसके नुकसान भी हैं। दोस्तों, हम पहली बात करते हैं डिसएडवांटेज के बारे में। दोस्तों, जो पहला डिसएडवांटेज ये है कि आपकी सिस्टम जो आपने फ़ोन ख़रीदा है उसकी वारंटी पीरियड ख़त्म हो जाती है अगर आप उसको रूट कर देंगे तो। आपको पास सारी पावर आ जाती है लेकिन जो कंपनी है वो ज़िम्मेदार नहीं होगी आपके फ़ोन ख़राब होने के बाद भी। दोस्तों, जो दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि आपको कोई फ़ोन में अगर थर्ड पार्टी ऐप्स आपसे बिना पूछे इंस्टॉल हो जाएगा और आपके सिस्टम को ख़राब भी कर सकता है, तो ये इसका दूसरा डिसएडवांटेज ये है। तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि आप फ़ोन में कब्रिक भी हो सकता है, यानी कि हैक भी हो सकता है। दोस्तों, ब्रेक का मतलब यह है कि आपका फ़ोन डेड भी हो सकता है, यानी कि अगर आपने एक भी इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं किए रूट करने जब कर रहे होंगे रूट, तो उससे क्या होगा कि अगर आपने एक भी स्टेप मिस किया तो आपका फ़ोन ब्रेक भी हो सकता है, यानी कि फ़ोन पूरी तरह से ख़राब हो सकता है।
उसको जो चौथा डिसएडवांटेज ये है कि आपका फोन हीट करने लगेगा अगर आप इंस्टॉल थर्ड पार्टी ऐप्स इंस्टॉल करते हैं अपने फोन में, तो उससे होगा क्या कि आपके फोन में हीट प्रॉब्लम का इशू बन जाएगा, इससे आपका फोन खराब हो सकता है या फिर कुछ भी नई प्रॉब्लम आ सकती है। वायरस फीवर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं रूट करते वक्त। दोस्तों मैं आपको सजेशन देता हूँ कि आप फोन को रूट ना करें तो अच्छा ही है। अगर आपका फोन लॉलीपॉप से नीचे वर्जन का फोन है, यानी कि एंड्रॉयड 5 के नीचे वाले वर्जन फोन है, तो आप उसको रूट कर सकते हैं अगर आप अपने फोन के एंड्रॉयड वर्जन को चेंज करना चाहते हैं। दोस्तों अगर आप फोन रूट नहीं करना चाहते तो बस गई है, क्योंकि सिस्टम अपडेट्स मिलते रहेंगे कंपनी की तरफ से, इससे आपको फायदा होगा, आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे फोन्स में अगर आप फोन को रूट नहीं करते हैं। तो दोस्तों बस ये थे रूट करने के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहता हूँ। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।